हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ग्राम पंचायत भावरी में प्रशासन गांव के संग शिविर आयोजित। जिला कलेक्टर ने शिविर का लिया जायजा। जिले के सबसे बड़े पंचायत भावरी में प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन स्कूल खेल मैदान में शिविर प्रभारी उपखंड अधिकारी हसमुख कुमार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। शिविर में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद व PCC सचिव निम्बाराम गरासिया ने शिविर का जायजा लिया। सहायक विकास अधिकारी हीरा लाल ने बताया कि ग्राम पंचायत भावरी में प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन स्कूल खेल मैदान में आयोजित किया गया। शिविर में जिला कलेक्टर ने शिविर का जायजा लिया, साथ ही उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए समाधान करने के निर्देश दिए। शिविर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव निम्बाराम गरासिया ने भी जायजा लेकर राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। उपखंड अधिकारी हसमुख कुमार, तहसीलदार मादाराम मीना, विकास अधिकारी हनुवीर विशोई, सरपंच मगनी देवी, पंचायत समिति सदस्य पवन अग्रवाल ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। प्रशासन गांव के संग शिविर में 571 पट्टों के आवेदन आए, जिसमें 317 पट्टे जारी किए, 43 पट्टे वितरित किए गए व 254 पट्टे खारिज किए गए। शिविर में 67 जॉब कार्ड, PM आवास के 83, 15 जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु के 3 प्रमाण पत्र जारी किए गए, सम्मानजनक 102, विद्यालय भवन प्रस्ताव 1, आंगनबाड़ी भवन 1, रास्ता प्रस्ताव 1, शमशान प्रस्तावा 1 व सेट अपार्ट के लिए 1 प्रस्ताव लिया गया। शिविर में 2,70,000 के बिना ब्याज के ऋण जारी किए गए। शिविर के दौरान ग्राम विकास अधिकारी महेश चंद्र मीना, सुरेश पुरोहित, दिनेश प्रजापत, भरत प्रजापत, भू अभिलेख निरीक्षक चुन्नी लाल पुरोहित, पटवारी अकाराम बंजारा, बहरा राम दिवासी, रणवीर चौधरी, सिंचाई विभाग अधिशाषी अभियंता रंजन कंसारा, सहायक अभियंता तारा राम, कनिष्ठ अभियंता हितेश मेघवाल, विद्युत विभाग कनिष्ठ अभियंता विपुल राजपुरोहित, आशीष बैरवा, भूला पूर्व सरपंच कन्हैयालाल अग्रवाल, पूर्व PCC सचिव इंद्र सिंह देवड़ा, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा हीरालाल चौधरी, प्रभुराम चौधरी, LHV सीमा प्रजापति, दीपक चौधरी, भरत चौधरी, सुनीता जानी, अमरा राम, मनोज कुमार राम समेत 19 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने शिविर का लिया जायजा। ग्राम पंचायत भावरी में प्रशासन गांव के संग शिविर का जायजा लिया। शिविर में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने निरीक्षण का जायजा लिया तथा ग्रामीणों के विभिन्न समस्याओं को सुनकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को समाधान करने के लिए निर्देशित किया। शिविर के दौरान कलेक्टर भगवती प्रसाद ने कोविड टीकाकरण के बारे में जानकारी ली तथा जिन्होंने नहीं लगाया उनकी सूची तैयार कर सर्वे करने के लिए चिकित्सा विभाग को निर्देशित किया। उन्होंने पटवारी को निर्देशित करते हुए अधिक से अधिक म्यूटेशन करने के निर्देश दिए। किस्म परिवर्तन करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। प्रशासन गांव के संग शिविर के दौरान ग्राम पंचायत बाबरी के वार्ड सदस्य मुस्ताक अहमद नागौरी सहित ग्रामीणों ने खसरा नंबर 1172 व 1193 गैर मुमकिन रास्ते के नाम से रिकॉर्ड में दर्ज है। उन्होंने बताया कि 1973 में बाढ़ आई थी, जिसमें प्रभावित लोगों को 1172 व 1193 खसरा नंबर में स्थापित किया गया था। नागौरी में ज्ञापन देकर किस्म परिवर्तन करवाने की मांग की। पूर्व PCC सचिव ने सौंपा ज्ञापन। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव इंद्र सिंह देवड़ा ने शिविर के दौरान जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद को ज्ञापन देकर DFC के निर्माणाधीन स्वरूपगंज यार्ड में जाने वाले सड़क मार्ग को सुचारू करने की मांग की। उन्होंने बताया कि DFCC एवं कॉमकोर द्वारा स्वरूपगंज में यार्ड में जाने हेतु सड़क निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कॉमकोर कंपनी द्वारा जो पानी के परंपरागत बहाव और महेशियों के आवागमन रेलवे हेतु टैंक के नीचे पुलिया बनाया जा रहा है, मगर DFCC के निर्माता LNT द्वारा उसे परंपरागत मार्ग को अवरुद्ध कर पाइप डाले रहे हैं, जबकि पूर्व में ग्रामीणों के आंदोलन के दौरान बड़ा पुलिया निर्माण का आश्वासन दिया था, जैसे कि रेलवे द्वारा पूर्व में ट्रक के लिए बना हुआ है, मगर निर्माण के वक्त रातों रात पाइप डाल रहे हैं, जिससे पानी का बहाव अवरुद्ध होने के साथ ही मवेशियों के आवागमन के लिए भी भारी संकट पैदा हो जाएगा। उन्होंने बड़ा पुलिस का निर्माण करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। जागरूक TV की स्वरूपगंज से जिग्नेश अग्रवाल की रिपोर्ट।